Hello kids, now it's a story time and the story is Dinky's friend come to visit him. हमने domestic animals के बारे में देखा था worksheet में, तो ये story भी आप देखोगे तो domestic animals के बारे में है. Dinky's friends come to visit him. Once upon a time, there lived a donkey named Dinky. एक बार एक Dinky नाम का donkey था. He was very hardworking and worked day and night carrying load from one place to another. वो बहुत मेहनती था. पूरा दिन और रात load लेकर one place से second place पे जा रहा था. One day, while carrying the load from one place to other, he thought to himself, I carry load day and night all alone. एक दिन जब वो वेट लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तब उसने सोचा, मैं पूरा दिन और नाइट अकेला काम करता हूँ. I have no one to talk to. I wish I had my friends with me. मैं बात करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है. मैं मेरे दो फ्रेंड्स की विश कर रहा हूँ. He thought of his two best friends, Cammy the camel and Yanky the yak. उसने उसके टू फ्रेंड्स के बारे में सोचा. कैमल ऊंट उसका नाम था कैमी और याक उसका नाम था यंकी. Dinky's friend कैमी the camel lived in the desert. डिंकी का फ्रेंड कैमी जो ऊंट था वो डेजर्ट मींस रण में रहता था. शी टू कैरीड लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो भी इसी तरह से बहुत वेट लेकर वन प्लेस से एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा था. शी वुड प्रोवाइड मिल्क एंड हर हेयर टू वॉज वेरी यूजफुल फॉर पीपल इन द डेजर्ट. वो मिल्क प्रोवाइड कर रहा था और उसके हेयर भी बहुत यूजफुल थे. Dinky's other friend Yanky the yak lived in the mountains. Dinky का दूसरा फ्रेंड था जो याक था वो माउंटेन मींस पर्वतों के ऊपर रहता था. He too carried load from one place to another place. वह भी इतना वेट लेकर वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था. He also provided milk and his thick wool was used by people living in the snowy areas. वो भी अपना मिल्क अपना दूध जो था वो दे रहा था और उसका थिक वूल मींस जो ऊन होता है ना वो बर्फ वाले एरिया में सब पीपल को दे रहा था. Dinky decided to call both his friends to work with him in the grasslands. Dinky ने डिसाइड किया कि मैं मेरे दोनों फ्रेंड्स को ये ग्रासलैंड एरिया में बुला लूं. Cammy agreed to come as there was lot of water on the grassland and she was tired of walking for days without water. Cammy agree हो गया कि वहाँ पे grassland में तो बहुत पानी होगा और वो डेजर्ट में ज़्यादा चलने से थक जाता था. वैसे भी यहाँ पर तो बहुत पानी है इसलिए वो agree हो गया. Yanky too agreed as there was a lot of grass on the grassland and in the mountains he had to climb for many hours to find a path of grass. Yanky याक था वो भी grassland पे रहने के लिए ready हो गया और पर्वतों पर उसको चढ़ना ना पड़े उसके उससे better था कि वो grassland area में ही रह जाए. Dinky was very happy to see both his friends. Dinky अपने दो friends को देखकर बहुत खुश था. He served his friend Cammy some clear and sparkly water. उसने उसके friend Cammy को बहुत ठंडा और clean water पीने के लिए दिया.
एंड ही सर्व्ड फ्रेश ग्रीन ग्रास टू द यंकी। और उसने सबसे ताज़ा और ग्रीन कलर का ग्रास यंकी को खाने के लिए दिया। कैमी वॉज यूज टू ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड फिनिश्ड ऑल द वाटर इन वन गल। कैमी बहुत पानी पी सकता था तो उसने एक ही बार में सब पानी पी लिया। देर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर डिंकी टू ड्रिंक। उसने तो इतना पानी पिया कि वो डिंकी के लिए भी थोड़ा पानी नहीं बचाया। यंकी हैड अ हैबिट ऑफ ईटिंग टू मच ग्रास एट अ टाइम सो ही फिनिश्ड ऑल द ग्रास ऑफर्ड एंड नन ऑफ वॉज लेफ्ट फॉर डिंकी टू ईट। यंकी को एक ही टाइम में ज़्यादा ग्रास खाने की हैबिट थी तो उसने भी उसको जो भी ग्रास दिया था वो सब एक ही टाइम में फिनिश कर दिया और डिंकी के लिए कुछ भी नहीं रखा। द नेक्स्ट डे ऑल थ्री ऑफ देम वेंट टू वर्क। और दूसरे दिन तीनों काम के लिए निकल पड़े। कैमी हैड पैडेड फीट विच वुड हेल्प हर वॉक इन द सैंडी डेजर्ट। कैमल को लेग्स में तो पैड जैसा होता है, गद्दी जैसा होता है जो सिर्फ डेजर्ट मीन्स रण में ही वो वॉकिंग कर सकता है। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू वॉक इन द ग्रास लैंड। परंतु उसके लिए वो बहुत कठिन था कि वो ग्रास लैंड के ऊपर चल सके। शी फेल एंड हर्ट हर सेल्फ। वो गिर गई और उसको लगा। यंकी हैड लॉन्ग हेयर ऑल ओवर हिज बॉडी। ही स्टार्टेड टू फील वेरी हॉट बिकॉज ही वॉज यूज टू द कोल्ड वेदर। याक उसके बॉडी पे तो बहुत लॉन्ग हेयर थे, उसको तो बहुत गर्मी लगी और फिर वो तो कोल्ड एरिया में रहने के लिए ही हैबिचुअल था। ही बिगन टू स्वेट एंड कुड नॉट कैरी एनी लोड दैट डे बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड। उसको तो पसीना आ गया, वो वेट भी नहीं उठा सकता था और बहुत थक गया। पुअर डिंकी हैड नॉट ईटन एनीथिंग। डोंकी ने तो कुछ भी नहीं खाया था। ही हैड नॉट इवन हैड एनी वाटर टू ड्रिंक। और उसके लिए थोड़ा पानी भी नहीं बचा था कि वो पी सके। ही फेल्ट टू वीक एंड आफ्टर अ वाइल कुड नॉट कैरी एनी लोड। वो बहुत ही वीकनेस फील कर रहा था और कोई वेट भी नहीं उठा पा रहा था। नेक्स्ट डे डिंकी कैमी एंड यंकी रियलाइज दैट ऑल थ्री ऑफ देम कैन नॉट वर्क इन द सेम एनवायरमेंट। दूसरे दिन डोंकी कैमल और याक तीनों को रियलाइज हुआ कि हम तीनों सेम पर्यावरण में तो काम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ऑल दो दे वेर डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क देयर बॉडीज वेर नॉट सुटेबल फॉर द सेम एनवायरमेंट। क्योंकि वो कोई भी काम कर रहे थे, काम तो तीनों का सेम था पर तीनों के लिए सेम वातावरण उनकी बॉडी के लिए वो परफेक्ट नहीं था। सो दे डिसाइडेड टू गो बैक टू देयर होम्स एंड मीट ओनली ड्यूरिंग वैकेशंस। फिर उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम चलो ना वापस अपने घर चले जाते हैं और हम वेकेशन ड्यूरिंग ही मिलेंगे। डिंकी बिड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। कैमी लेफ्ट फॉर द डेजर्ट एंड यंकी लेफ्ट फॉर द स्नोई माउंटेन्स। डिंकी ने उसके दोनों फ्रेंड्स को गुड बाय बोल दिया और कैमल को डेजर्ट तक छोड़ाया और याक को स्नोवी माउंटेन्स जो पर्वतों का था वहाँ पर वो उसके एरिया में छोड़ के आया। स्टोरी में से क्या सीखने को मिला कि जो तीन फ्रेंड्स थे वो सेम वर्क कर रहे थे
पर वो जो जगह पे रहते थे वही जगह उनके लिए बनी थी। तीनों फ्रेंड साथ में नहीं रह पाए क्योंकि वो अलग अलग जगह में रहने के लिए बने थे, साथ में रह ही नहीं सकते।